नमस्कार, निर्माण आईएएस में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है लाइव मिंट में प्रकाशित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस। हाल ही में आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने पीएमसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित किया तथा नए प्रशासक की नियुक्ति भी की। आइए जानते हैं कि पीएमसी बैंक और उससे जुड़ा यह मुद्दा क्या है। पीएमसी बैंक एक शहरी कोऑपरेटिव बैंक है तथा यह बैंक 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई ने हाल ही में पीएमसी बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया था कि बैंक के ग्राहक बैंक से एक दिन में 1,000 रुपये से ज़्यादा रुपये नहीं निकाल सकते तथा यह प्रतिबंध 6 माह तक लगा रहेगा। हालांकि बाद में विड्रॉ की इस राशि को बढ़ाकर पहले 25,000 रुपये और फिर 40,000 रुपये किया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में आरबीआई ने बैंक के परिचालन में कुछ अनियमितताओं को दर्ज किया, जिसके चलते आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए थे जो निम्नलिखित है। पहला, बैंक खातों की रिपोर्टिंग में अनेक अनियमितताएं दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि पीएमसी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में अपना एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कुल दिए गए लोन का केवल 3.76% दर्शाया, जो कि 315 करोड़ रुपए के बराबर था। जबकि आरबीआई द्वारा की गई ऑडिट जांच में यह पाया गया कि पीएमसी बैंक ने अपने एनपीए को अंडर रिपोर्ट किया था, क्योंकि बैंक का एनपीए 2000 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए के बीच पाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि पीएमसी बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को डिफॉल्ट होने के बाद भी लोन दिया, जबकि अन्य बैंकों द्वारा HDIL को पहले ही डिफॉल्ट घोषित किया जा चुका था। उसके बावजूद पीएमसी द्वारा इस रियल इस्टेट कंपनी को लोन देना पीएमसी बैंक को शक के दायरे में खड़ा करता है। विदित हो कि HDIL को इंसॉल्वेंसी के कारण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसे NCLT भी कहा जाता है, में भी ले जाया गया था। इसके साथ ही पीएमसी बैंक ने HDIL को दी गई लोन राशि की भी अंडर रिपोर्टिंग की थी। तो आइए अब जानते हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई के पास क्या विकल्प है, जिसमें पहला है बैंक की गवर्निंग बॉडी में सुधार किया जाए। जैसा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित कर नए प्रशासक की नियुक्ति की है, वहीं एक अन्य विकल्प के रूप में पीएमसी बैंक का किसी अन्य बैंक में विलय किया जाए। हालांकि आरबीआई ने आगामी 6 माह के लिए पीएमसी बैंक को निगरानी में रखा है, जिसके बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि आगे कौन से और किस प्रकार के कदम उठाए जाए। और आज का हमारा टॉपिक है द हिंदू में प्रकाशित नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। हाल ही में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो एवं माइकल क्रेमर को दिया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने विकासशील देशों में वंचित वर्गों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक प्रयोगात्मक उपागम को अपनाया, जिसमें किसी भी मुद्दे को छोटे छोटे प्रश्न में बांटकर उनके जवाब तलाशने शुरू किए। तो आइए जानते हैं कि क्या है इनका प्रयोगात्मक उपागम। तीनों अर्थशास्त्रियों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि अच्छी तरह से डिजाइन किए गए प्रयोगों में छोटे एवं संक्षिप्त प्रश्नों के द्वारा बेहतर उत्तर एवं परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इनका यह प्रयोग विज्ञान में हो रहे प्रयोगों रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के समान था, जिसमें इन्होंने विशुद्ध विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से प्रेरणा ली। जैसे किसी भी दवा को व्यापक रूप से बाजार में जारी करने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसी तरह किसी भी योजना और नीति को जारी करने से पहले उसका परीक्षण विभिन्न प्रश्नों के जरिए किया जाना जरूरी है। इन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 1990 के दशक में अर्थशास्त्री डॉक्टर क्रेमकर एवं उनके साथियों ने पश्चिमी केन्या में अपने प्रयोगों के जरिए यह दिखाया कि किस प्रकार उनके स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदमों एवं जमीनी प्रयोग ने आशातीत सफलता प्राप्त की। डॉक्टर अभिजीत बनर्जी एवं डॉक्टर डफलो ने भी इसी तरह के अध्ययन कुछ अन्य मुद्दों पर विभिन्न देशों में किए। आइए अब देखते हैं कि इन उपागमों का विभिन्न देशों और उनकी सरकारों की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा। अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में पाया कि स्कूली बच्चों में डिवॉर्मिंग की दवा का उनके स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, लेकिन
अभिभावक इन दवाओं के मूल्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अर्थशास्त्रियों के इस प्रकार के अध्ययन के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने यह अनुशंसा प्रदान की कि उन सभी क्षेत्रों में जहां 20% से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे विशेष प्रकार के परजीवी कीड़ों से संक्रमित है, वहां 80 करोड़ से अधिक बच्चों को निशुल्क रूप से डिवॉर्मिंग की दवाएं उन्हें प्रदान की जाए, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अर्थशास्त्रियों के इस प्रकार के अध्ययन ने विश्व के विभिन्न देशों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में व्यापक सब्सिडी प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त किया, जिससे कि स्वास्थ्य में सुधार हो और गरीबी के चक्र से लोगों को बाहर निकलने में सहायता मिले। आइए अब देखते हैं कि इन अर्थशास्त्रियों द्वारा भारत में किए गए कुछ प्रयोग और उनका परिणाम क्या रहा। अर्थशास्त्रियों के एक अध्ययन एवं शोध के जरिए भारत में 50 लाख बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिला, जिसमें इन्होंने विद्यालयों में एक उपचारात्मक ट्यूशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अर्थशास्त्री बनर्जी एवं डफलो द्वारा कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में एक प्रयोग किया गया, जिसमें बच्चों के निःशुल्क टीकाकरण का एक कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के बावजूद माताएं अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए नहीं लेकर आई। अर्थशास्त्री बनर्जी और डफलो ने जैसे ही यह निर्णय लिया कि जो माताएं अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए आएगी, उन्हें दाल का एक थैला भी निःशुल्क उपलब्ध होगा, जिसके बाद यह देखा गया कि उस इलाकों में बच्चों के टीकाकरण की दर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। मुंबई और वडोदरा में किए गए एक अन्य प्रयोग के जरिए बच्चों के लर्निंग आउटकम अर्थात अधिगम परिणाम को भी जानने का प्रयास किया गया। अपने प्रयोगों में अर्थशास्त्रियों ने यह जानने का प्रयास किया कि बच्चों में खराब अधिगम परिणाम के लिए पाठ्य पुस्तकों की कमी एक कारण है या भूख। जमीनी अध्ययन के जरिए प्रोफेसर बनर्जी और डफलो ने प्रमाणित किया कि शिक्षण को बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से समायोजित नहीं किया गया था। उन विद्यालयों में अधिगम परिणाम बेहतर पाया गया जहां बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से शिक्षण सहायकों को नियुक्त किया गया। अर्थशास्त्रियों के इस प्रकार के सैकड़ों अध्ययन एवं शोध स्वास्थ्य, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्त, श्रम बाजार, शासन, पर्यावरण एवं सामाजिक सहयोग कार्यक्रमों के लिए 80 से भी अधिक देशों में चल रहे हैं, जिससे विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लक्ष्योन्मुखी बनाया जा सके। अतः इस प्रकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रियों के इस नवीन उपागम ने विकास अर्थशास्त्र अर्थात डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी, जहाँ सरकारें विभिन्न सामाजिक योजनाओं पर बड़ी मात्रा में खर्च कर रही है। इनके अध्ययनों ने सरकारी नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद की है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके तथा सरकारी योजनाओं को और भी अधिक प्रभावशील बनाया जा सके। अगर आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया हो तो निर्माण IAS चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।